स्वागत बंधन। आज हम कक्षा नवम एवं कक्षा दसम कक्षा आया और नवम कक्षा आया के अंतर्गत जो व्याकरण है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है कारक और एवं विभक्ति प्रकरण। सबसे पहले आता है यहाँ पर कारक। साक्षात क्रियान्वयतम कारकम, साक्षात क्रियान्वयतम कारकम यानी जो क्रियान है ना, वयत्वम क्रियान्वयत्वम कारकम, साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकम अर्थात जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वह क्या कहलाता है, कारक। जैसे आता ना कारक किसे कहते हैं, तो साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकम यानी क्रियान क्रिया को क्रिया के साथ जिसका क्या होता है सीधा साक्षात यानी सीधा संबंध होता है ना, तो क्रियान्वयत्वम कारकम। अब आता है दूसरा क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम अर्थात जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया की सिद्धि होती है उसे कारक कहते हैं। फिर आता है क्रियां करोति निर्वर्तनीति कारकम अर्थात किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको पहले बताया कि साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकम यानी क्रिया से जिसका संबंध होता है वो कारक कहलाता है और क्रियाजनकत्वम कारकम जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया की सिद्धि होती है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब आता है संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, 6 मानी गई। संबंध और संबोधन को कारकों के अंतर्गत नहीं माना जाता क्योंकि संबंध कारक का क्रिया से सीधा सीधा संबंध नहीं होता, संबोधन को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही मानते हैं। जैसे आप एक दिया है आपको समझे, जैसे रामस्य यानी राम का पुत्र यानी पुत्र और पठति माने पढ़ता। ठीक है, अब राम का ये संबंध पुत्र यानी कर्ता और पठति यानी ये क्रिया। इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया से पुत्र कर्ता का ही सीधा संबंध। ठीक है, फिर राम का नहीं, राम का संबंध तो क्या है, पुत्र से है, पढ़ने से नहीं है, अतः राम को हम कारक नहीं मान सकते क्योंकि कारक वही होता है जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वह कारक होता है। अतः संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं और विभक्तियां कितनी होती है, 7। कारक 6 विभक्तियां 7 होती है, कारक और विभक्ति में यही अंतर होता है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदान तथैव च अपादानधिकरण मित्रयाहु कारकाणि षट्। हम कारकों को निम्न चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। अब यहां पर देखिए दिया है, जैसे ये चित्र की सहायता से है, जैसे ये मथुरा नगर। ठीक है, अब यहां दिया है राजा दानव हस्ते भिक्षुकाय पोशाक नदी तटी। ठीक है ना, जो राजा का संबंधान से, दान का हाथ से, फिर भिक्षुकाय से, फिर उसके कोष से, पोषण जो धन कोष है, फिर नदी तट। फिर आता है यच्छति यानी देता। अब मथुरा नगर का यहाँ पर देखिए दिया है संबंध। ठीक है, तो राजा से, तो राजा कौन हुआ, कर्ता। दान से, दान क्या हुआ, कर्म। फिर किस चीज से दे रहा है, हाथ से, तो ये हुआ कर्म। किसको दे रहा है, वह भिक्षुक को संप्रदान। कहाँ से दे रहा है, खजाने से यानी अपादान से। अब अधिकरण तो नदी में पर है ना, तो नदी के किनारे हो गया अधिकरण। तो क्या कर रहे चित्तीयंदीता है, यहां पर आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर आता है कारक चिन्ह। अब जैसे यहाँ पर दी है विभक्ति, यहाँ दिया है कारक और यहाँ दिया है चिन्ह, ठीक है। अब विभक्ति तो कौन कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का संबंध क्या है, कर्ता, द्वितीया का कर्म से, तृतीया का करण से, चतुर्थी का संप्रदान से, पंचमी का वदान से, षष्ठी का संबंध, जैसे किसमें बताया गया कि वह विभक्ति के रूप में संबंध है, वैसे नहीं है। कारक कितने माने गए, छह, केवल जो विभक्ति के रूप में इसका संबंध सप्तमी का अधिकरण, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें और संबोधन, अब यहाँ पर जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ विभक्ति के रूप में चूंकि संबंध है, जैसे राम का, श्याम का, है ना, ऐसे तरीके का, की, के, रा, री, रे, इस तरीके से दिया हुआ है। अधिकरण, अधिकरण यानी मैं या पर, फिर संबोधन, संबोधन जैसे ही राम, अरे, है ना, तो इस तरीके राम, तो यहाँ पर आएगा संबोधन। चलिए अब इसके बाद आता है विभक्ति, क्या आएगा यहाँ पर विभक्ति, हिंदी भाषा में विभक्तियां आठ होती हैं और संस्कृत में संबोधन को प्रथमा विभक्ति में ही मानते हैं, इस प्रकार संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी हो गई, सात होती है। उसमें जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं, सात। ये विभक्तियां जो है दो प्रकार से प्रयोग में आती है, पहला आता है कारक विभक्ति, किसमें, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति में जैसे क्रिया के अनुसार संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्तियों को कारक विभक्ति कहते हैं, क्रिया के अनुसार संज्ञा आदि शब्दों में, है ना, लगने वाली विभक्तियों को कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे कैसे, मौनः पुस्तकं पठति, उभयपद विभक्ति में किसी पद या शब्द को मानकर जो विभक्ति होती है, किसी पद या शब्द को मानकर जो विभक्ति होती है उसे उपपद विभक्ति कहती है। उपपद विभक्ति कौन सी विभक्ति, उपपद, जैसे ग्राम परितः वृक्षः सन्ति, ग्राम परितः वृक्षः सन्ति, तो परितः है चारों तरफ, चारों ओर, ग्रामा यानी गांव के, तो गांव के चारों ओर क्या है, वृक्षासंति, वृक्ष है। अब इस वाक्य में जो परितः पद के कारण ग्राम में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वाक्य में परितः शब्द के कारण, ठीक है ना, तो ग्राम में कौन सी शब्द में विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय, अतः यह जो विभक्ति है वह उपपद विभक्ति कहलाएगी, कौन सी विभक्ति कहलाए, उपपद विभक्ति कहलाए। अब यहां पर आता है कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक जैसे भी हमने आपको समझाया कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती, प्रथमा, क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता, अर्थात वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को कार्य का करने वाला या होने वाला समझा जाए उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, और कृतवाच में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन सी विभक्ति का, प्रथमा, क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता, है ना, अर्थात वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द को कार्य करने वाला या होने वाला समझा जाए उसे कहते हैं कर्ता, ठीक है। आप उदाहरण समझिए, जैसे रामा गच्छति, ठीक है, तो कौन जा रहा है, यहाँ पर कौन जा रहा है, राम, क्रिया क्या हो रही है, जाता, तो रामा गच्छति, राम जाता है। दूसरा सह पठति, वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा। मोहनः खादति, तो मोहन क्या कर रहा है, खाता है। अब आता है कर्मवाच्य में, कर्म में, तो इस प्रकार से
कर्मवाचक में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है तो रामेण ग्रंथा पठ्य। किसी भी शब्द को संस्कृत में बताने के लिए लिंग परिमाण और वचन में भी क्या प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे जैसे राम मोहन रमेश तो क्या आ जाएगा रामा मोहन मोहना और रमेशा। बालक बालिका छात्र छात्रा बालका बालिका बाल छात्र और छात्र। अब आता है कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। कर्मकारक कौन सी विभक्ति आएगी द्वितीय विभक्ति। जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो उसे कर्म कहते हैं अथवा कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति बताया हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण बालिका पत्रम लिखती थी हाँ क्या जाएगा बालक पत्र लिखता बालिका पत्रम लिखती। रामम रामम गच्छति राम गांव जाता है। सुरेश पुस्तक पढ़ती सुरेश क्या कर रहा पुस्तक को पढ़ता है। आप यहाँ देखिए उप पद विभक्ति अभितः परितः समया निषद भा प्रति अनु बिना इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्राम अभितः वनम अस्ति गांव के चारों ओर क्या है वन। कृष्ण परितः भक्ता संति कृष्ण के चारों ओर क्या है भक्त है। नगरम समया नदी अस्ति नगर के क्या समीप यानी पास में क्या है नदी है। ग्रामम निष्का वनम अस्ति गांव के पास वन है। हा मूर्खम वो क्या है अधिकार है। ग्रामीण नगरम प्रति गच्छति ग्रामीण नगर की ओर क्या हो रहा है जाता है। दशरथ रामम रामेण रामा राम दिया है तो क्या जाए दशरथ राम के बिना नहीं जी सके। अब यहां आता है विशेष क्या आएगा यहां पर विशेष। बिना इस उपपद के साथ में द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों विभक्तियों में से कोई भी लगा सकते हैं। उभता सर्वता देव उपरियो परियो परि अधो ध अंत रे अंतरा इत्यादि के साथ भी द्वितीय विभक्ति होती जैसे कृष्णम उभयता गोपा संति ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कृष्णम ठीक है तो कृष्ण के दोनों ओर कौन है गोपा संति है दोनों क्या है ग्वाली गोपा ग्वाली। अध्यापकम सर्वता छात्रा संति अध्यापक के चारों ओर कौन छात्रा संति छात्र है। दिग्ज्ञानी ज्ञानहीन को क्या है दिग यानी धिक्कार। लोकम उपरि परि अधोधा हरि अस्ति लोक के ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कौन है हरि। कृष्ण मंत्रे अन्यम न इच्छामि कृष्ण को छोड़कर अन्य को नहीं चाहती। परिश्रम अंतरा सुखम नास्ति परिश्रम के बीच में सुख नहीं है। शी स्था अस धातुओं के पहले अभी उपसर्ग लगा हो तो कौन सी विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति होती है। शी स्था आस धातुओं के पहले अभी जैसे राजा पर्यकम अधिशेते क्या जाएगा राजा पलंग पर सोता है। हरि वैकुंठम अधिष्ठति हरि कहाँ रहते हैं वैकुंठ में रहते हैं। तेरे साधुवन आसनम अध्यायास्ते साधु आसन पर बैठते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने आपको कारक विभक्ति को पढ़ाया और समझाया। आप लोग इस उदाहरणों को बहुत अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।